हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं ये दो भाई हैं और इनके दोनों के साथ फ्रॉड हुआ है। इनका पैसा किसी अनजान व्यक्ति ने अपने परफेक्ट ग्रुप का नाम लेके पैसा उससे ले लिया है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को बार बार समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर कोई भी अनजान व्यक्ति आपसे अगर पैसा मांगे ऑनलाइन, अगर खाते में मांगता है तो उसको पैसा नहीं देना है, ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार। थोड़ा तेज़ बोलिए भाई, कैसे दे दिए पैसा बताइए। हमारा कहाँ घर पड़ेगा आपका? बिहार। हैं बिहार में कहाँ से? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी से। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीम। अरे कहाँ जा रहे मोहम्मद नसीम? कहाँ घर पड़ेगा? बिहार। बिहार में कहाँ से? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट। इधर आ जाओ भाई, तू भी इधर आ जाओ। कहाँ कैसे ऑफिस में हमारे आ गए? वीडियो देख के। तो भैया जब वीडियो देख के आ गए, पूरी वीडियो देखे होते तो ये हुआ होता कांड? हाँ यहाँ का कोई बंदा इस मतलब जो हमारे साथ वीडियो कॉल पे भी दिए थे तो रुको रुको अभी बात करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। ये बताइए अगर पूरा वीडियो फेसबुक आप देखे होते तो आपके साथ चीटिंग होता? आप लोग तो दो मिनट देख के स्किप कर देते हो। हाँ कैसे बंदे ने पैसा मांगा बताओ भाई, कहानी बताओ, आप बताओ कैसे उसने शुरू कैसे किया, शुरू से बताओ पूरी। शुरू हमसे इस तरह से किया, वो जो शुरू में उसने जब कॉल किया तो क्या बोला आपको बताइए? वो बोला हम जो है मोहम्मद सदाम बोल रहा हूँ, हम जो आप जो है वो किए थे जो वीजा आया। क्या आया? वीजा हमारे पास आया है। अच्छा पैकिंग का वीजा भेजा आपको व्हाट्सएप पे? नहीं ऑफर लेटर। दिखाओ ब्राइटनेस बढ़ाओ दिखाओ। आप लोग को बार बार कहा जाता है भाई कि ऑफिस पे आके पैसा देना है, आप लोग इतने बड़े मतलब क्या बताऊं। ये फर्जी वीजा आपका बना के भेजा है बंदे ने, फर्जी यही है ना जो भेजा है? वो ऑफर लेटर, ऑफर लेटर है भेजा है। बताइए हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उस पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपका क्या होगा, कॉल करने से पूरा डिटेल पता चल जाएगा कि वीजा फर्जी है असली है नकली है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा एडिट किया हुआ है, ठीक है, सिस्टम से। आपके भी बस की बात नहीं है समझना इसको, सौ बार समझाया जाता है कि किसी भी तरह के फ्रॉड, पूरी वीडियो देखिए तब ना समझेंगे। ये पूरा देखो मैसेज शुरू से कहानी दोस्तों देखिए, इस भाई साहब का ये देखिए, ये पूरा डिटेल भेजा है और इधर फोटो हमारे भैया का है, देखिए क्या बताया जाए इन मूर्ख लोगों को। यही बंदा है जो कुछ दिन पहले किसी का 60,000 115,000 सामने आया। दोनों लोग कितना रुपया लिया है ये बताइए, कितना रुपया? कितना? 84,000 आपसे और आपसे भैया? दोनों खास भाई हैं आप लोग, खास भाई हो यार, खास भाई हो तो कितने बड़े मूर्ख हो। तुमने एक भी बार कॉल करके पूछा कि ये गलत है या सही है? भैया फेसबुक पे नंबर दिया गया है कि नहीं, हेल्पलाइन नंबर है ना? तो फिर हम सब भैया कॉल करो उसको, देखो लगता है कॉल लगाओ और उसे रो के मांगो पैसा कि मैं गरीब आदमी हूँ मेरा ये हो जाएगा, रो के मांगो पैसा। जी सर क्या हुआ हमारा वीजे का कुछ तो बताइए आप। अब रिसीव भी नहीं करेगा पैसा लेने के बाद, तो ये बताओ भैया आपकी गलती है कि नहीं, सबसे पहली चीज़ ये बताओ, बताओ गलती किसकी है? एक्चुअली मैं जो है बात नहीं कर रहा था। अच्छा सारा चीज़ यही किया। हाँ हम इसके लिए देखो भाई हमें उतना पढ़ा लिखा नहीं, मैं अनपढ़ हूँ। इधर करीब हो जाओ भैया, करीब थोड़ा सा जाओ। हाँ सारा चीज़ ये किया है अंसार ने किया है। अंसार ने हमको खाली पैसा लाना था देना था, तो ये बताओ आप। लेकिन यार दूसरी बात ये भी नहीं, वो बोला कि जो वीडियो कॉल पर मेरे साथ बात करो। हाँ वो जो ये देखिए उसके साथ जब हम वीडियो कॉल पर बात किए थे स्क्रीन शॉट लिए थे तुम। हाँ ये देखिए दिखाओ, ये देखिए यही है ना। अब देखिए भाई ये बंदा उसने कुछ इस तरह से सेटिंग किया है कि वीडियो कॉलिंग जब ये बात की है तो ये इधर नीचे है बंदा, अरे भैया का फोटो लगाया है, ठीक है वीडियो चला के दिखा दे रहा है। ये बताया गलती किसकी है? गलती तो किसका गलती है? गलती तो इसका है। इसका नहीं हम लोगों का है बोलिए, गलती इसका नहीं आपका भी है इसका भी गलती है। करीब हो जाओ यहाँ पे, दोनों भाई है देखिए दोनों भाई, कभी एक बार भी बंदे फोन नहीं किए, 500 रुपये इन लोगों को देना पड़ेगा इसलिए। आज 84,000 चला गया, अब आएगा पैसा वापस? फिर लेकिन सर इस तरह जो कर रहा है, अरे इस तरह जो क्या वो वीडियो है देख नहीं रहे हो, उसका क्वालिटी नहीं देख रहे हो,
तुमसे पैसा मांगेंगे वीडियो कॉलिंग करके, तुम ही एक बंदे हो इधर, इतना फुर्सत है कैसे करके, गरीब आदमी था भाई। तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप ही जिम्मेदार है, बताओ गलती किसका है भाई, बताओ गलती किसका है? गलती तो हम ही लोग। तो फिर एक बार भी बंदे ऑफिस पे नहीं आए, बताइए ना, फ़ोन किए, 500 रुपये उधर देना पड़ता है, वीजा सही है असली, फिर काम हो जाता। अब देखिए फर्जी पूरा आवाज़ है, हैं फर्जी, देखिए वीजा इधर आइए, फर्जी वीजा है ये, कौन समझाएगा आप लोग भाई, हैं? सुबह आया मैं बता दिया भाई तुम्हारा पैसा चलेगा, अब नहीं आने वाला है पैसा। तो जो भाई वीडियो देख रहा है उससे भी यही रिक्वेस्ट किया जाएगा कि अगर आप ये जानना चाहते हो, कोई बंदा अनजान व्यक्ति अगर फ़ोन करता है, अपना अकाउंट नंबर देता है, उसको पैसा नहीं देना है? 84,000 दे दिए, दिक्कत नहीं हुआ आप, ये देखिए, हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वो बंदा है शितेश कुमार बल के है, अकाउंट नंबर उसके आखिरी 6674 है, 10,000 पहले भेजे हैं भाई साहब, और पैसा कहाँ भेजे हो दिखाओ, ये अकाउंट नंबर है क्या ये नीचे वाला, इसी अकाउंट में डाले थे? इसमें भी डाले। देखिए ये अकाउंट नंबर है रामर्स चौधरी, IFSC कोड पूरा डिटेल दिया, ये देखिए ऐसी में इन्होंने कितने हज़ार रुपये डाले थे पहले, सामने आ जाओ ना, कितने हज़ार डाले थे, कितना 12,000, उसके बाद से क्या हुआ? उसके बाद हमको जो है ये दिया ऑफर लेटर, ऑफर लेटर दिया, तो फिर उसके बाद कितना पैसा दिए? उसके बाद वाला है जो है 30,000 डाल दो, 30,000 अच्छा, मतलब पूरा ये बंदे ने पैसा दिया है, आप उसके खास भाई हो दोनों, हाँ जी। अरे भाई कितना बड़े मतलब गलती तुम लोग कर रहे हो यार, नंबर जब दिया जा रहा है आप लोगों को तो नंबर पे कॉल करना चाहिए, जी भाल है। अब देखिए यहाँ पे बंदे ने 30,000 रुपये दिया है, मतलब टोटल मिला जुला के, ये तो सागर कुमार ठाकुर दिखा रहा है, तो दूसरा है हा? जी दो बंदे को पैसा भेजोगे बताओ, है चार, हम जो इसके साथ हम पूछे भी हाँ। ये जो है सर आप जो कारोबार क्यों जो चेंज कर रहे हो फोन नंबर, वो बोला हम नहीं बेटा हमारा जो स्टाफ काम कर रहा है उसको हम दे रहे हैं पैसा। देखिए कितना होशियार आदमी है, अपने खाते में नहीं लिया है, मोहम्मद सद्दाम बोल रहे हैं, अलग अलग बंदों के खाते में पैसा मंगाया है यार, तुम लोग इतने बड़े मतलब क्या बताऊं, 60,000 अभी दो दिन पहले की बात, एक बंदे ने 60,000 दे दिया था, तुम्हारे ही जैसे अनपढ़ आदमी था वो, 1,15,000 या 10,000 दिया था, कह रहा हमको पढ़ना नहीं आता, जब पढ़ना नहीं आता है तो फोन पे बात करना आता भैया, अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा बताओ, ऑफिस पे तो आए हो, अब क्या करोगे बताओ भैया, ऑफिस पे तो अब आए हो, अब क्या करोगे? आप लोगों से नहीं होगा कुछ, हम लोगों से क्या होगा, किसी अनजान व्यक्ति को पैसा दे दोगे तुम्हारा झेलेंगे, हम लोग झेलेंगे? क्या करते हैं आपके पिताजी बताइए? मजदूरी करते हैं साइड में थोड़ा हो जाइए सीधा, मजदूरी करते हैं पता है 500 रुपये कहाँ से आता है भाई, पूरे 8 घंटे मेहनत रगड़ेंगे तब जाकर 500 आएगा भाई, हम लोग खुद मजदूर हूँ, हम लोग खुद तो मजदूर हो तो पूरा तुमने वीडियो नहीं देखा ना, पूरा वीडियो जब देखे होते तो ये समस्या होता, वीडियो मैंने पूरा देखा था इसीलिए तो मैं पूरा वीडियो अच्छा पूरा वीडियो देखा था, वो हेल्पलाइन नंबर का बात सुना था कभी, फेसबुक पे जैसे पेज खोलोगे उसी पे नंबर है, वीजा फर्जी है नकली, यहाँ पे चेक करें, ये भी है ना भैया, मैं अगर दूसरे आदमी को दिखाता भी ना तो बोलता था सही है, अच्छा है, अच्छा सही है, बहुत अच्छा है, इसीलिए भेजते थे ना, दोनों लोग भी बोल रहा था कि सही है, अच्छा वीजा देखो, वीजा चेक करना ना सबके बस की बात नहीं है, सही है, एडिट करके मैं भी डाल सकता हूँ, कोई डाल सकता है, तुम्हारे बस की बात है वीजा को चिन्हना पहचानना, हाँ अब क्या करोगे बताओ, आप तो ऑफिस पे आए हो आप, अब क्या आपका हेल्प किया जाए, कोई हेल्प नहीं हो पाएगा यहाँ से, क्योंकि उसके जिम्मेदार आप खुद हो, गरीब हो ठीक है अपने जगह पे है, लेकिन मूर्खता वाला काम किए हो ना, किसी अनजान व्यक्ति को पैसा दे दोगे तो कहाँ फिर कोई कर पाएगा बताओ, 84,000 तो तुम लोग का भैया चला गया, अब कोई इधर वो तुम्हारा हेल्प नहीं कर पाएगा, रोते हुए घर जाओ दोबारा, ठीक है, ऑफिस की गलती है, एक बार और फाइनली मैं पूछना चाहता हूँ, इस ऑफिस का कोई गलती है? ऑफिस का, अरे तेज बोलो ना भैया, ऑफिस का गलती कोई है? नहीं, तुम्हारे सामने है कि नहीं चीज़ें, ऑफिस का गलती नहीं, ऑफिस वाले तुमसे कभी पैसा नहीं मांगेंगे, हमारे खाते में डाल दो,
कोई भी आपको काम कराना है ऑफिस पे आके काम कराइए भैया। जब पहले बार 12,000 रुपया लिया नहीं इससे, हाँ पहले बार मैं इससे पूछा भाई उसका पूरा डिटेल पता करो, ये कहाँ का है, क्या नाम है, ठीक है। ये भाई साहब होशियार बन के सारे पैसे डाले, बड़ा कौन है इसमें आप लोगों में से? मैं बड़ा। अच्छा ये साहब होशियार बन गए। मैं इसको मना करता था। क्या करते हैं आप लोग काम? हम मिस्त्री काम करते हैं, टाइल लगाते हैं, हम दोनों भाई टाइल लगाते हैं। चलिए ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।